अमन सिंह, मैं आपका स्वागत कर रहे हैं सारे अच्छे चैनल के ऊपर। रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि प्लीज सारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ये बेल आइकन भी दबा देना ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन तक मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज आपको की है जेड़ा चैप्टर एक्सरसाइज 2.3 है, सेकंड चैप्टर दी, ठीक है, उसको अपन सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो जेड़ा फर्स्ट पार्ट सीगा वो सॉल्व कर चुके सी। तो ये अपनी टेक्स्ट बुक्स नाल ओपन कर लो, ठीक है, ताकि आप इजीली तुसी समझ सको इस चीज। तो देखो जी एक्सरसाइज 2.3 है, जो सेकंड पार्ट है वो की कहता है, कहना चेक वेदर द फर्स्ट पॉलीनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलीनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलीनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलीनोमियल। अपन क्या करनागा, अपन चेक करनागा, ठीक है, मी की जो फर्स्ट पॉलीनोमियल है, सानो दो पॉलीनोमियल देते हुए नहीं, लाइक उदे px एंड gx वो जिदा कि पहला सवाल किया था, तुसी वो पहली वीडियो देखी होगी। तो देखो उसी ढंग ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੋ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਸਾਰੀ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 3 ਹੈ ਉਹ 9 ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾਗਾ ਵੀ 3 ਇਹਦਾ 9 ਹੈ ਉਹ 3 ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ 1 ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿਮੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ 9 ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 11 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 11 ਦਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਹੈ ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ 11 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 3 ਹੈ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨਾ, सेकंड पार्ट में चैप्टर की है, अपने को लिखना पड़ेगा की डी पावर 2 माइनस 3 एंड अपने को लिखना पड़ेगा 2 टी डी पावर 4 प्लस 3 टी डी स्क्वायर सॉरी क्यू टी डी क्यू माइनस 2 टी डी स्क्वायर माइनस 9 टी माइनस 13। हाँ जी, तो अपने को ये दो पॉलीनोमियल थे, ठीक है, अब इस नो px मान लो, इस नो gx मान लो, ठीक है, वरना मान लो नहीं लोड भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन्हें अपन दो पॉलीनोमियल के हैं, अपन ना इन्हें डिनोट नहीं किए। तो देखो फिर हम अपने को की है अपन डिवाइड कर देंगे, तो जितना कि मेरे को इतना हो जाएगा, इसमें मैं इतनी ले लेता हूं, ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ। ਓਕੇ,
अपन मेरे को क्या आ गया अपन साइन चेंज करा गया अपन ये प्लस आएगा माइनस हो गया ये माइनस आएगा प्लस हो गया यही कर गया अपन मेरे को ये आ गया 3 टी दी पावर 3 ए प्लस ए माइनस प्लस से मेरे को क्या आ जाएगा 4 टी स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 9 टी माइनस हां जी तो हम देखो अगला मेरे को क्या है मेनू नोड है ये 3 टी डी क्यूब डी ठीक है पर मेरे को है ये जस्ट टी डी स्क्वायर तो मेनू मतलब टी डी लोड है एक टी डी लोड है तो मैं क्या करूंगा इसे मल्टीप्लाई करूंगा प्लस 3 टी तो 3 टी ले रहा हूं मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे को क्या आ जाएगा 3 टी डी क्यूब ठीक है हम देखो मैं 3 टी नो माइनस 3 ना मल्टीप्लाई कर रहा हूं इस नाल ठीक है 3 3 इज 9 बट माइनस आएगा माइनस 90 माइनस 90 देखो मेरे को टी डी पावर 1 सी तो मैं उसमें क्या लिखूंगा टी डी पावर 1 ऊपर इतने है ना तो मैं इसमें उससे नीचे लिखूंगा कहने की भाव है कि जेडी हम शक्ल नहीं ना जेडी हम शक्ल है तो हम शक्ल से नीचे हम शक्ल आएगा ये शक्ल नहीं मिलती ठीक है मतलब ये हम पर पावर नहीं मिलती ठीक है उन्हें हम पर वो नीचे नहीं लाना तो देखो जी मैं क्या सब कट कर देना है मेरे को आ गया 4 टी स्क्वायर 4 टी स्क्वायर और देखो ये भी कट हो गया क्योंकि प्लस है ये माइनस है और 4 टी स्क्वायर माइनस 3 12 ओके स्टूडेंट्स तो हम देखो मेनू मेरे को है टी स्क्वायर टी स्क्वायर में मैं 4 ना करूंगा तो 4 टी स्क्वायर बन जाएगा तो मैं प्लस 4 ना कर देना 4 मल्टीप्लाई टी स्क्वायर 4 टी स्क्वायर हां जी हम 4 को मैं 3 ना करूंगा 4 3 इज 12 और क्या आएगा माइनस माइनस 12 अब ये साइन चेंज मैंने के लिए माइनस प्लस ये भी कट गया ये भी कट गया तो रिमाइंडर क्या है 0 सो हुन अपन जो रिमाइंडर अपना 0 आ गया तो आप कह सकते हैं कि जेड़ा ए वाला पॉलीनोमियल है इस पॉलीनोमियल का फैक्टर है ठीक है क्योंकि रिमाइंडर का रिमाइंडर 0 बच गया तो इस करके आप कहेंगे यस अच्छा बट लिखने ना उसको थोड़ी स्टेटमेंट लिख लेनी है फिर वो जगह काट है यस टी स्क्वायर माइनस 3 पॉली नोमियल इज द फैक्टर ऑफ 2t4 प्लस 3t3 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 अहम की कहना भाव है जिला ए वाला पॉलीनोमियल है ठीक है इस पॉलीनोमियल का फैक्टर है ओके हम अगला सवाल करते हैं हाँ जी तो नेक्स्ट जो चैप्टर को की है नेक्स्ट जो रहेगा सेकंड सम है सेकंड सम में चैप्टर में एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स सॉरी इसमें वो भी देखेंगे ठीक है दोबारा देख लो तो पहले किया मेरे को जो रह गया फैक्टर बड़ा करना है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन अपने को की है पता पर क्या करना है ये बेच है 3x4 प्लस 5x3 माइनस 7x2 प्लस 2x प्लस 2 तो पता करना है ठीक है अब शुरू करते हैं देखो अपन की है फर्स्ट ऑफ ऑल अपन जो है ना 3x की पावर 4 मतलब अपने लिए x की स्क्वायर है ही है अपन को x स्क्वायर हो चाहिए एक 3 चाहिए अपन आगे 3x स्क्वायर ये अपन लोड है 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई x स्क्वायर तो अपन क्या आएगा 3x की पावर 4 ओके ज्यादा लंबा हो गया अब हम क्या अपने को 3x स्क्वायर में पकड़ेंगे 3x ना तो की बात आएगा मेरे को 9x क्यूब क्यूब है इतने तो मैं कहूंगा 9x क्यूब बट 10 नहीं आएगी प्लस नहीं ओके
उसके बाद 3x स्क्वायर में वादा करेगा एटली रहेगा 3x स्क्वायर कला प्लस ना तो हम मेरा पास साइन चेंज कर देंगे माइनस 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 एक आ जाएंगे ठीक है और मेरे को किया गया 9x माइनस ना एंड 5x प्लस ना तो मेरे को आएगा माइनस 4x क्यूब ओके जी तो नेक्स्ट मेरे को क्या आएगा माइनस 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 ना 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ओके तो हम स्टूडेंट्स अपन क्या करेंगे अपन में माइनस 4x की क्यूब है अपन के पास x की स्क्वायर है अपन के पास x की होल रूट है ठीक है एक माइनस ने तोड़ दी तो मैं कहूंगा माइनस 4x देखो जो माइनस 4x को करेगा x की क्यूब देना है तो मेरे को बनेगा माइनस 4x की क्यूब माइनस 4x की 2 x है ठीक है केस में मल्टीप्लाई कर रहा है 3x ना तो मेरे को बनेगा माइनस 8 पहले x स्क्वायर ठीक है जी और मेरे को आएगा प्लस 1 टू में माइनस ना करेगा माइनस 4x माइनस 4x साइन की नवाइन की ए प्लस ना बनेगा ए प्लस ना बनेगा ए बी प्लस ना बनेगा एक आ जाएगा ठीक है प्लस 8 12 x माइनस 8 10 x टर्म 2 x स्क्वायर प्लस से उसके बाद मेरे को आ जाएगा देखो प्लस से 4x है ऊपर 2x है प्लस से और भी अभी हो गया 6x प्लस से 2 हां जी स्टूडेंट्स होना अपने को लगी है अपने x की स्क्वायर है ये बस 2 की कमी है तो अपन 2 ले लेंगे प्लस 2 तो हमें मिल गया यहां x स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस उसके बाद 3x तो करेंगे अपन की निकाल लेगा तो 6x तो 2 को माना करेंगे क्या आ जाएगा 2 sin फिर चेंज हो जाएंगे रिमाइंडर किया गया 0 सो ये तो किस तरह होना का बिजला अपन का पॉलीनोमियल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये फैक्टर है इसका 3x की क्यूब की पावर 4 प्लस 5x की क्यूब प्लस माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ठीक है अब हमें ये यस फैक्टर है क्योंकि अपने को मीटर जीरो आ गया ठीक है तब हम अपना अगला सवाल आएगा उस सवाल बाद में तो बहुत इजी है सारे सवाल उसी अंत तक वीडियो बने रहो ठीक है तो आपको ये एक कांसेप्ट है जिनकी थोड़ा समझ आ जाएगा आज स्टूडेंट्स हमने अपने को लेकर दिया थर्ड है ठीक है थर्ड पार्ट में चैप्टर में है देखो अपन उसे जल्दी ना लिख लेनी है मेरे को की है 5x की पावर 5 माइनस 4x की क्यूब प्लस x की स्क्वायर प्लस 3x प्लस ना 1 तो हमने क्या आएगा अपने को ले x की क्यूब माइनस 3x प्लस ना 1 अरे स्टूडेंट्स तो अपने को ले अपना होने सब को सॉल्व करेंगे तो मेरे को पहले की है x की क्यूब है ये मेरे को चाहिए x की पावर 5 ठीक है पहला जो चेक करेंगे तो मेरे को x की स्क्वायर की कमी है देखो मैं x की स्क्वायर को x की क्यूब से मल्टीप्लाई करेगा तो मेरे को क्या आएगा x की पावर 5 ओके और x की स्क्वायर है मेरे को इसमें माइनस 3x ना करेगा तो मेरे को क्या बन जाएगा माइनस 3x की क्यूब माइनस 3x की क्यूब क्योंकि यदि हम शक्ल है और प्लस 1 प्लस 1 x डी स्क्वायर आ जाएगी प्लस x डी स्क्वायर और यह साइन में चेंज हो जाएंगे एक कट जाएंगे ए बी कट जाएंगे तो मेरे को क्या आ गया प्लस माइनस तो माइनस ले x डी क्यूब प्लस ले 3x प्लस ना 1 तो हां जी बोल अपने को किया मेरे को ये मैंने कह दिया माइनस ले x डी क्यूब बट मेरे को इधर ये है x डी क्यूब प्लस ले तो माइनस की करने वाला से इसमें माइनस 1 देना मल्टीप्लाई कर सकता बिल्कुल कर सकता माइनस 1 गुना x की क्यूब तो मेरे को आ जाएगा माइनस x की क्यूब ओके उसके बाद हो गया माइनस 3x को मैं कराऊंगा माइनस ना तो मेरे को बन जाएगा प्लस ले 3x ओके हम प्लस 1 में माइनस 1 ना कराऊंगा तो मेरे को बन जाएगा माइनस 1 माइनस 1 बन जाएगा ए प्लस हो गया ए माइनस हो गया ए प्लस हो गया
ये कट गया ठीक है तो मेरे को आ गया 2 रिमाइंडर आ गया तो हम 2 रिमाइंडर आ गया बट अब हम मेंटेन जैसे कि 0 सो इस करके अपन कर सकते हैं कि जो ये अपने को ये पॉलीनोमियल है x3 क्यूब - 3x + 1 ये फैक्टर नहीं आएगा तीरा x की पावर 5 - 4x क्यूब + x2 + 3x + 1 पॉलीनोमियल था ठीक है तो ऐसे अपन कहेंगे नो सो पूरी स्टेटमेंट लिख लेनी है ठीक है अपन मुझे समझ नहीं कभी कौन करके अपन ने लिख होने तो उसके बाद होना पर कि अपना थर्ड सम है उसको पर सॉल्व करते हैं थर्ड सम की कहना स्टूडेंट्स